सर पहला प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग क्लास में 100-150 बच्चों को जब मैनेज करते हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, आप इतने बड़े क्षेत्र में इतने सारे लोगों को मैनेज करते हैं, तो जो मैनेजमेंट की कला है इसे आप कैसे देखते हैं सर? मुझे ऐसा लगता है कि धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है टीचरों के लिए, और दूसरी चीज़ है कि हमें बहुत सहज होना चाहिए पढ़ाते वक्त, सहज मतलब ईजी होना चाहिए, ईजी टू एक्सेस, कि वो हमको ईजिली एक्सेस कर ले, सर ऐसा करके मुस्कुरा दो। तो ये चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट नहीं होंगी, लेकिन नहीं इनबिल्ट हैं तो आपको डालनी पड़ेगी। मैंने इस चीज़ को सीखा है कि बजाय वन वे टीचिंग के, इंटरेक्टिव टीचिंग होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। संवाद से बात, संवाद करते करते पढ़ा दो। मैं संवाद करता था बच्चों से जाके, संवाद करने से क्या होता है कि बच्चे के अंदर ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन आता है और उसको अच्छा लगता है कि सर मेरे दोस्त जैसे हैं। ये पंक्ति प्रताप सोमवंशी जी की है, तू अगर बेटियां नहीं लिखता तो समझ खिड़कियां नहीं दिखता। तो हमने सुना है सर आपके भी परिवार में आपकी दो बेटियां हैं, तो आप उनके लिए कैसे वक्त निकालते हैं, हमें ये जानना है। दो बेटी हैं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक बेटी तुम्हारे ही समझदार हो गई है और एक छोटी है। तो जो समझदार हो गई है वो जानती है कि पापा के पास समय बहुत कम रहता है, और जो छोटी वाली है वो अभी नहीं समझती है, तो वो तो कभी भी फ़ोन लगा देगी, मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, मेरे लिए ये लेके आना है, आज मेरे को ये चॉकलेट चाहिए, या मेरे को ये पेंसिल चाहिए, या मेरे को ड्राइंग की किताब चाहिए, तो कितने बजे आओगे, नहीं जल्दी आओ ऐसा करो, मतलब ये सब उसकी बातें बता रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि परिवार के साथ समय ज़रूर गुजारना चाहिए, और मैं उतना समय नहीं दे पाता हूँ बच्चों को, ये बात सही है, मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो उसके कारण लगभग मैं 12 बजे से पहले नहीं पहुँच पाता हूँ, तो तब तक तो जो जगता है वो मिल लेता है। कोशिश का थोड़ा बहुत नाइंसाफ़ी हो जाती है मेरे से, लेकिन चूँकि मेरा परिवार जो है वो दो बेटियों का ही नहीं है, पूरा बिलासपुर ही मेरा परिवार है, इसलिए मुझे सबका ध्यान रखना होगा। आप हमारे प्रतिनिधि है, आप जैसे बताओ कि अभी विधानसभा में ये सब चीज़ें होते करके आपके पर्सनल लाइफ भी के ओकरो इन्वॉल्वमेंट रहते करके, लेकिन वहाँ सबसे खास बात ये चीज़ होते करके, जैसे आप बताओ कि कभी कभी 12 बजे जाता हूँ, मोरो परिवार है भाई, और बिलासपुर मोर खुद के एक परिवार है रहकर, तो ये सब बीच में एक चीज़ होते कि आदमी मुस्कुराते हंसते, जितना मैं आपके बारे में जान पाऊँ, जितना मैं सुने हूँ, तो एक चीज़ महसूस कर पाया हूँ करके कि आपके जो व्यक्तित्व है, जो शख्सियत है, वो खुश मिजाज है, तो इतना जो बिजी शेड्यूल में अपन आपला खुश रखना कैसे संभव हो पाते, ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, और मोर साथ साथ पूरा जितना जाने में खड़े हैं सबों को जानना चाहता हूँ। इस भी काम को अपन करते हैं तो स्वाभाविक है, जीवन में पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, चार पुरुषार्थ ऐसे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और साधक शरीर होता है, साधक जो है शरीर है पुरुषार्थों का, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी, दोनों के लिए। तो क्या होता है कि पहली चीज़ होती कि अपन खुश रहेंगे, उससे पहले उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपन स्वस्थ रहें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सब काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं सब काम करने का प्रयास कर सकता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्यार सबसे करना चाहिए, तो जिस प्यार करते वक्त ये मत देखो सबको कि गरीब है कि अमीर है, कि कैसा है कि कैसे ही है, सबसे सबको बराबर मानो, सबको अच्छे से मानो, और अच्छे से खुश रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुखी रहने का भगवान कोई कारण ही नहीं है, दुखी रहने का कोई कारण नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं है, सुख दुख आते रहते हैं जीवन में, उसको राजनीतिक क्षेत्र में तो सुख दुख अपमान अपमान बहुत आते हैं, लेकिन उसको बहुत कूलली मैनेज करना चाहिए और अपना काम कर देना चाहिए। तो मैं अपनी ओर से तो प्रयास करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि पूर्ण रूप से मैं सफल हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अपनी ओर से जितना बेहतर प्रयास कर सकता हूँ और करता हूँ। जैसे आप बिलासपुर के युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो मेरा सवाल है सर, अधिक लोकप्रिय होना दबाव अधिक है या सम्मान की बात?
जब किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो उसे अच्छा लगता है। दबाव की कोई इसमें बात ही नहीं है, ये तो सम्मान की बात है। और मुझे भी युवा बहुत प्रिय है, सभी, और इसलिए प्रिय हैं क्योंकि मैं जीवन भर युवाओं के साथ ही रहा, पढ़ाने लिखाने वाली फील्ड रही। तो जब मैं कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाता था तब भी उसमें युवा ही लोग आते थे, सब मैच्योर लोग भी आते थे। स्कूल कॉलेज जैसा नहीं, फिर यूनिवर्सिटी में था तो उसमें भी पीएचडी लेवल से लेकर यूजी लेवल तक के बच्चे आते थे। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सभी युवा। मैं जब फर्स्ट ईयर में था इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेरी लड़ाई हो गई एक लड़के से, लोकलाइट लड़के से। मैं हॉस्टलर था तो शर्ट पहना हुआ था, मेरे को क्या अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा लगता था, तो मैं नाइन्थ क्लास से सर के अमिताभ बच्चन जैसा बाल ऐसे पीछे रखता था, ऐसे कर पूरे ऐसे करके, कलमें मोटी मोटी थी। अब लड़ाई हो गई तो शर्ट की बटन फट गई, टूट गई मेरी, वो शर्ट भी थोड़ी फट गई। तो वो डायरेक्टर साहब मेरे को बुलाए कमरे में, पेशे लिए, बोलते तू तो शक्ल से ही गुंडा लगता है, ऐसा करके बोल दिए। मुझे बड़ा ख़राब लगा, पिताजी टीचर थे, मैं गुंडा तो था ही नहीं, गुंडा कर दी करे नहीं कभी ज़िंदगी में, पिताजी पढ़ाते थे हम कब। लेकिन लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर मैं कमरे में आया, फिर रूम में अपने रूममेट्स को बताया कि मेरे को आज ऐसा ऐसा बोला। फिर उन्होंने बोला तो फिर काम करते चलो अभी, तो मेरे को तत्काल वो ले गए और फट से उसी दिन मेरे बाल पूरे काटवा दिए। फिर मेरे को उसी दिन साइड की मांग पहले दिन, तो वो आज 28 साल हो गए होंगे इस घटना को। इस 28 साल पहले जो है वो ऐसे करके मांग निकालना शुरू की थी, छोटे बाल रखना शुरू करी थे, तो आज तक इसी प्रकार से हूँ। क्योंकि मतलब बताना ही चाहता हूँ, कई बार हम अच्छे हैं, कई बार हम सही हैं, लेकिन हम दिख सही नहीं रहे। सर आपने मनोबल की बात की, आपने हमेशा युवाओं का मनोबल बढ़ाया है। शिक्षाविद से विधायक तक के सफ़र में आपने बहुत सारी सफलताएं अर्जित की हैं। तो मजहूर सुल्तानपुरी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आप अपनी सफलता में अपने समर्थकों का, अपने कार्यकर्ताओं का सर कितना हाथ मानते हैं? हनुमान जी सीता जी की खोज करने गए थे, तो वो समुद्र पार करना था। अब हनुमान जी को तो पता ही नहीं था कि वो समुद्र पार कर सकते हैं। हनुमान जी जैसे थे, थोड़े लंबे हो जाते, थोड़े ऊंचे हो जाते थे, लेकिन थोड़ा बहुत अपना काम करना अलग बात। शाखा मत के बड़ी मनसाए, शाखा थे शाखा पर जाई, मतलब ये तो अपने आप को ऐसा मानते थे, लोग मेरी कहाँ शक्ति हो तो सब आपने दी, मैं तो इस शाखा से उस शाख में घूमने वाला व्यक्ति था। तो अब समुद्र को लांघना था, तो समुद्र को लांघना था तो क्या किया कि जामवंत जी थे, जामवंत जी ने उनको बोला कि वो बैठे हुए थे उदास, हनुमान जी कैसे करेंगे, कैसे जाऊंगा समुद्र पार, भगवान श्री राम का मनोबल। तो जामवंत जी ने उनका मनोबल बढ़ाया, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होती तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हनुमान? तो एकदम उनके अंदर सारी शक्तियाँ वापस आ गई, उनका मनोबल बढ़ गया और उन्होंने एकदम शिला में एकदम क्यों शिला टूट गई और एकदम उड़ गए वो। पहला जवाब ये था। दूसरी बात ये थी कि मतलब मनोबल की बात कर रहा था, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं विजयी होता है। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर भी, अगर कपिल देव भी वर्ल्ड कप लाते हैं, धोनी वर्ल्ड कप लाते हैं, तो वो टीम की बदौलत लाते हैं। सर हमारे इतना बड़ा काम कर सकते हैं, करते हैं, तो सिर्फ उसका कारण टीम होती है। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं लोग आप लोगों के कारण ही हूँ, मेरे अंदर ने आपने मुझे सक्षम बनाया, आपने मुझे विश्वास बना दिया, मेरे अपने जो टीम होती है, अपने जो कार्यकर्ता होते हैं उनका साथ रहता है, तो ये एक बड़ा सहयोग होता है। क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक संग्राम है, एक्चुअली संघ है, संग्राम ही होता है, लेकिन इसको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना पड़ता है बस। तो इसमें बड़ी टीम लगती है, टीम का विश्वास। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद, आप सबके कारण ही हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के कारण हूँ और लोगों के आशीर्वाद के कारण ही हूँ, मैं इसे मानता हूँ और इसी कारण मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। आपने अपने कीमती समय में से निकाल कर हमें कुछ समय दिया, अपने अनुभव साझा किए, अपने ज्ञान से हमें पुरस्कृत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको अच्छा लगा, मेरी भी सेम फीलिंग है और मैंने अपनी ओर से पूरी ईमानदारी से सभी प्रश्नों का जवाब दिया और कहीं भी कोई बेईमानी नहीं करी मैंने। ये तो नहीं किया मैंने, जो भी आ रहा था अंदर से आ रहा था, बिल्कुल फ्रेम्ड नहीं था, फ्रेम नहीं था और अच्छे से बात की। और देखिए मेरे पास जो भी मैं बेहतर कर सकता हूँ कह सकता हूँ सब, आप पूरा ईमानदार हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को भी एक बड़ी टीम मिली है सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए गर्व की बात है आज आपसे मिलना, आज आप सबसे मिलना मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आप सबसे मिल सका, इतने अच्छे संस्था में आ सका, मेरे हमारे बिलासपुर में इतनी बड़ी इतनी अच्छी संस्था मैंने अभी तो नहीं देखी है सर, और ये संस्था और आगे जाए, खूब आगे बढ़े सर, और इतने अच्छे इरादों से काम हो रहा है और इतनी अच्छी टीम है सर युवाओं की, और एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो सर, अपने आप नैया पार होगी सबकी। थैंक यू।